फ्रेंड्स ये देखिए आमिर फोर और ये इसका यू असम यू ब्रेकफास्ट है, आप देख सकते हैं लजीज। और ये हमारे बिल्कुल होटल के सामने है, दूसरी तरफ कर दिया। ये हमारा होटल है जो होटल विरासत आपको दिख रहा होगा, और इसके बिल्कुल सामने ये शॉप है। और ये जमी की सीख रही है, इसका हम आपको दिखाएंगे। और ये मैंने लिया है, मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसी लगी मुझे ये जलेबी। जिसका नाम देखो, पकड़िए इसको, खिला दीजिए अपने हाथ से। जलेबी एकदम गर्म, एकदम तो बहुत ही मजेदार। चलिए आपको आगे का ट्रिप बताते हैं कैसे करते हैं। हे फ्रेंड, वेलकम अगेन इन माय दिस वीडियो। और आप जैसे जानते हैं मेरा जयपुर ट्रिप का वीडियो नंबर ये 4 है, और दूसरे दिन का डे 2 का वीडियो है। और आज हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट देखने। जयपुर में 3 फोर्ट बहुत ही फेमस हैं, आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़। और इन तीनों को आप एक ही दिन दे सकते हैं, क्योंकि ये आमेर में ही है। आमेर एक छोटा सा गांव है। और लेकिन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट प्लान बनाया, मैंने एक फोर्ट और बाकी चीज़ें देखने का प्लान बनाया, फिर दूसरे दिन बाकी के 2 फोर्ट और फिर बाकी की चीज़ें। इस तरह से बैलेंस भी हो जाता है, क्योंकि आप इतना चढ़ाई चढ़ेंगे, क्योंकि फोर्ट आपको जानते हो, फोर्ट में इतना चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा, बड़े बड़े फोर्ट होते हैं, ऊपर जाना है, काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं, चलना पड़ेगा। तो मैंने इसको बैलेंस करने के लिए फोर्ट को 2 दिन में कवर करने का प्लान रखा। एक दिन में हम आज जो कवर करेंगे वो है आमेर फोर्ट, और दूसरी मेरे वीडियो में आप देख पाएंगे हम कवर करेंगे नाहरगढ़ और जयगढ़, जो पास पास में है। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रोड है जहाँ पे मैंने अपना जो होटल है वो लिया था, वो है सुभाष चौक। और सुभाष चौक बिल्कुल सिटी सेंटर में है। जिस तरह से आप कोई भी जगह जाएं, आप सिटी सेंटर में ही अपना होटल या आपका जो भी एकोमोडेशन है वो लें, और वहाँ से आपको बाकी चीज़ें नज़दीक पड़ती हैं। जैसे मेरे पास में था 1.5 में हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, एल्बर्ट हॉल, ढेर के बालाजी। और ये जो था आमेर फोर्ट, ये मेरे यहाँ से ऑलमोस्ट 5 to 6 किलोमीटर था। और आप देख सकते हैं जल महल इसके बीच रास्ते में पड़ता है, कितना ब्यूटीफुल लोकेशन है। और आसपास में जो भी बिल्डिंगें बनी हैं वो एक तरह से या तो होटल हैं या होटल टाइप से कन्वर्ट कर दिए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे मैं चलता जा रहा हूँ बाइक से, और जो भी होटल्स या चीज़ें आ रही हैं वो ज़्यादातर फॉर टूरिस्ट ही हैं। और इस रोड पे आपको हाथी भी दिखेंगे, इस रोड पे बड़े अच्छे अच्छे व्यू आपको दिखेंगे और पहाड़ियाँ दिखेंगी, क्योंकि ये आमेर जो है जगह, ये एक छोटा गांव है और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। अगर आपने रंग दे बसंती मूवी देखी होगी तो वो भी यहाँ पे ही शूटिंग उसकी हुई थी, और इसीलिए जोधा अकबर, ये बहुत ही फेमस लोकेशन है और एक मस्ट विजिटिंग लोकेशन तो है ही है। जोधा अकबर की शूटिंग और ना जाने कितनी मूवियों की शूटिंग हुई है। और धीरे धीरे फाइनली आप देख पा रहे होंगे दूर से, ये है आमेर फोर्ट जिसको हम आज विजिट करने वाले हैं। पास में इसके एक पूरा ये नहर है, और जो इसकी ब्यूटी को 4 चांद लगा देती है। आप देख पा रहे होंगे कितना शानदार इसका व्यू आ रहा है। और अर्ली मॉर्निंग आप जाएं, जिससे क्राउड से बचें, और जो भी आपको फोटोग्राफी करनी है वो भी आप कर सकें। हम लोग 7 बजे निकल गए थे,
और ये आप देख सकते हैं इसका व्यू। और चलिए आगे से देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही आप आमिर फोर्ट की तरफ जाने लगेंगे, फर्स्ट एक पार्किंग आएगा और बहुत सारे वहाँ पे आपके हाथी होंगे, जो हाथी पे राइड करके आप आमिर फोर्ट के ऊपर जा सकते हैं बाहर के रास्ते से। और बहुत कम लोगों को पता है कि इसका एक पीछे से रास्ता और है, जो रास्ता आपको सीधे ऊपर तक ले जाएगा। क्योंकि अगर आप पहले वाले जो रास्ता यहाँ पे आपको ये आपको गाड़ियाँ दिख रही हैं, इस रास्ते से जाएंगे तो आपको बहुत चढ़ना पड़ेगा। तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप जिप्सी करो या आप एलिफेंट से करो, या तो 11 नंबर की सवारी पैदल जाओ। अगर आपके पास स्कूटी है, बाइक है या खुद का व्हीकल है, तो आप इसके दूसरे रास्ते से, पीछे वाले रास्ते से जाएं, जो कि 5 या 10 मिनट है, लेकिन आप वहां से बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाएंगे और वहां से आपको चढ़ना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और आप देख सकते हैं, अगर आप हाथी के शौकीन हैं या फिर आपने कभी सवारी नहीं किया है, तो हाथी का जो चार्जेज है वो है 1100 रुपये फॉर 2 पर्सन, मतलब कपल के लिए एक हाथी 1100 रुपये लेगा, जो काफ़ी मुझे कॉस्टली लगा। आप मेरी माने तो, अगर आपने मेरा चौकीदानी वाला वीडियो देखा है और नहीं देखा तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां भी आपको हाथी का सवारी मात्र 50 रुपये में हो जाएगा। तो हमने अपने टू व्हीलर पार्क की और हम फोर्ट पहुंच गए। हमने एक गाइड भी हायर किया, क्योंकि आप जानते हैं गाइडों का जॉब और उनकी जो रोजी रोटी है वो इससे ही चलती है। और पूरे महल की जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से बताएंगे, आपको जो लाइव कराएंगे स्टोरी से, हिस्टोरिकल प्लेसेस से, तो गाइड करना तो बनता है। फ्रेंड्स, ये देखिए आमिर फोर्ट और ये इसका व्यू, मौसम व्यू। आमिर फोर्ट पहुंचने के बाद हमने एक सेल्फी वीडियो लिया, जिस तरह से मैं लेता हूं, मेरा फेवरेट, चारों तरफ का व्यू। और उसके बाद हमने गाइड को फॉलो किया, क्योंकि गाइड ही आपको चीज़ें लाइव करवाता है और चीज़ें बताता है। फर्स्ट चाइना वॉल, सेकंड कुंभलगढ़ फोर्ट, थर्ड पे अंबर पैलेस। इस वॉल के ऊपर में सर जी एक कम्युनिकेशन टावर से 8 छतरियां, क्योंकि राजा के टाइम पे कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, जैसे टेलीफोन हुए, मोबाइल वगैरह हुए, तो वहाँ पे ढोल लगा रखा करते थे, वो बताते थे राजा के पास मैसेज जाता था, कोई युद्ध के लिए आ रहा, कोई जासूसी के लिए आ रहा है। नाइट टाइम में मशाल जला के संदेश दिए जाते थे। फर्स्ट वॉच टावर इधर है, सेकंड उस तरफ है, 6 पैलेस के बैक साइड में। इधर टॉप में जो आप लोग ये फोर्ट देख रहे हैं, सामने बना हुआ है, ये जैगर्ड फोर्ट है सर जी, राजा की आर्मी के लिए बनाया गया था। इसमें वर्ल्ड्स बिगेस्ट कैनन है, राजा की आर्मी की ड्रेसेस, वेपन्स वगैरह वो सब उस फोर्ट में। वो जब म्यूजियम में पूरा हिस्टोरिकल पैलेस है। वो फ्लैग दिख रहा है सर सामने में आपको, लग रहा है वो सर जी किसी कंट्री का फ्लैग नहीं है, 5 कलर्स का फ्लैग है, राजा का इंडिकेशन फ्लैग है। इंडिकेशन मतलब वहाँ 2 फ्लैग होते हैं, उसका मतलब होता है राजा सिटी पैलेस में, सिंगल फ्लैग है आउट ऑफ जयपुर सिटी के। ये जो अभी हमारे आगे प्रेजेंट टाइम के राजा, उनका इंडिकेशन फ्लैग है अभी है राजा। हाँ, अभी 2 फ्लैग लग रहे हैं, इट मीन्स वो सिटी पैलेस में, जयपुर में जो सिटी पैलेस बना हुआ है ना, वहाँ पर है।
नीचे में ये येलो बिल्डिंग बनी हुई है, सामने में सर जी जयपुर सिटी का सबसे पहला किला, इसको महाराजा काकिल देव ने बनाया, 1000 साल पुराना है। इसी में जोधाबाई का बर्थ और मैरिज हुआ। जोधाबाई शी इज वन जिनकी दो कल्चर में शादी हुई, हिंदू और मुगल कल्चर में। हिंदू कल्चर यहाँ पे मुगल कल्चर फतेह सिंह। अभी सर जी जो आप लोग ये पैलेस और लोकल पर्सन बोलने लगे, बट रियल नेम अंबर पैलेस है। इससे रखा गया माना कि जो पहले राजा थे महाराजा मान सिंह जी, उनकी मदर का नाम था अंबावती, और जो राजपूतों के कुल देवता थे उनका नाम था अंकेश्वर महादेव। इस कारण से इसका अंबर पैलेस और अंबर टाउन नाम रखा गया। इस टाउन को ओल्ड जयपुर सिटी कहा जाता है, जयपुर इसके बाद में बनाया गया। जयपुर ओनली 292 साल पुराना है, ये गांव 1000 साल पुराना है। अभी भी एट प्रेजेंट में सर जी इस गांव के अंदर राजा के टाइम से कहीं भी फार्मिंग नहीं होती, खेती बाड़ी नहीं होती, बिकॉज जयपुर बहुत ड्राई एरिया, बरसात वगैरह बहुत कम आती है। इस कारण से इस गांव के जितने भी लोग हैं वो सब हाथ की कलाओं का काम करते हैं। अच्छा, ये रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा हुआ है 1135 ऊपर, रेस्टोरेंट बना हुआ है। अच्छा, इसमें सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया जाता है। तो इसमें दोनों में बड़ा कौन सा है किला, ये कि वो बड़ा है? वो बड़ा है लेकिन रेजिडेंट का। अच्छा, फोर्ट और पैलेस में ही डिफरेंस होता है, फोर्ट आर्मी का होता है, पैलेस राजा का रेजिडेंस होता है। अच्छा, वो फोर्ट है जयगढ़ फोर्ट, और एक तीसरा भी है वो नारगढ़ फोर्ट, वो व्यू के लिए बनाया गया था, वहां से पूरी सिटी का व्यू दिख रहा है। अच्छा, अगर आपने गाइड की बात को ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस जगह को आमेर और किले को आमेर फोर्ट क्यों बोला जाता है, और इस गेट को सूर्य गेट और पीछे वाले गेट को चंद्र गेट क्यों बोला जाता है। अगर नहीं तो एक बार दोबारा से सुनिए, क्योंकि राजा सूर्यवंश के थे और रानी चंद्रवंश की थी। गाइड करने का यही फ़ायदा है, जो भी चीज़ें हैं हिस्टोरिकल वो आपको समझ में आने लगती हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा बनाया गया, और इससे रियल में जो जर्नी है, जो आपका विजिटिंग का पर्पज़ है, वो पूरा रियल में तभी पूरा होता है जब आप चीज़ों को समझें, उनका उसके पीछे की स्टोरी आप समझें। और यहाँ पे जो शीतला माता का मंदिर है वहाँ पे आप चलते हैं, अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है इसलिए मैं कुछ ही सीन आपको दिखा पाऊँगा। यहाँ पे अभी भी एक बकरे की और दारू की इस तरह की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, बकरे की बलि अभी भी दी जाती है, और ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गाइड ही आपको देगा, तो जब भी आपको घूमने में मज़ा आएगा, वरना अब तो आप इसको 5-10 मिनट में कवर करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें हैं उनका मतलब, उनके पीछे की स्टोरी और उनके पीछे का इतिहास, वो जब समझने आप लगते हैं तब आपको कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है, कुछ अलग ही अनुभव होता है। फ्लावर कॉफी कलर के लिए चीकू के बीज, पर्पल कलर के लिए जामुन की रोटियां, और सर जी इस वेजिटेबल कलर्स के जयपुर सिटी के दो सबसे फेमस आर्टिकल्स होते हैं, उसके यार आपने सुना भी होगा, मैं भी देखा भी होगा, बिकॉज वो जयपुर का सबसे फेमस चीज होता है। पहला चीज सर जी इस कलर से यहाँ पे 100 ग्राम का रसाई बनाते रहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो गाइड थे वो चेंज हो गए, फर्स्ट वाले गाइड ने सेकेंड को हैंड ओवर कर दिया। आई डोंट नो उनका इंटरनल क्या कॉम्बिनेशन है, बट हमको तो गाइड चाहिए था, और ये जो हम सेकंड वाले पोर्शन में पहुंच गए हैं इसको बोलते हैं दीवाने आम, जहां पे ये गाइड हमें बता रहे हैं कि महफिल जमा करती थी और जो राजा थे वो लोगों की बातें सुना करते थे, और आई कांटेक्ट नहीं होता था, और जो भी राजा बोलते थे उसका आंसर यस में ही था, नो एक्सेप्टेबल ही नहीं था। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक और टिप्स देना चाहूँगा, आप एक सेल्फी स्टिक लें, और हो सके तो ऐसी सेल्फी स्टिक लें जिसमें ब्लूटूथ अनेबल हो, जिससे आप क्लिक कर सकें, तो उससे क्या होगा, आप अच्छे से अपना कैमरा मैनेज कर पाएंगे, और इस तरह के प्यारे प्यारे शॉट्स, इस तरह का प्यारा प्यारा व्यू आप फुल ले पाएंगे, क्योंकि आजकल ग्रुप में लोग नहीं जाते, कपल्स में जाते हैं, और आपको प्राइवेसी भी चाहिए होती है, तो आप सेल्फी स्टिक यूज करें विद ब्लूटूथ, आपको जयपुर में पार्क प्लाजा में आराम से ये चीज़ें मिल जाएंगी। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा बिल्डिंग है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, और यहाँ पे जब हम इस वाले सेक्शन में गए यहाँ पे, तो एक
गोल्ड का जो काम है स्टोन वर्क वो उन्होंने हमें दिखाया। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ और आप ध्यान से सुनिए कि जो गाइड है वो क्या बताना चाह रहे हैं और किस तरह की कलाकारी उस जमाने हुआ करती थी प्योर गोल्ड की। मैं अपने जयपुर बहुत फेमस है जेम्स के लिए, स्टोन की कटिंग मीनाकारी वगैरह होता है तो ये जेम्स के येलो इसमें पेपर गोल्ड का काम है। फूल नहीं दिख रहा है क्योंकि लाइट आपके पीछे अंदर आई। यहाँ पे आइए, अब आराम से यहाँ से देखिए, इट इज 24 कैरेट गोल्ड। अच्छा पेपर गोल्ड है, पेपर गोल्ड नहीं है, लाइक ए लिक्विड गोल्ड पार्ट में बना है। पूरा स्टोन की डस्ट है, मेला कहते हैं लैपिस है, तो ये सारा। अब आप राजा के घर में आ गए, फ्रेंड्स जब आप दीवाने आम से आगे जाएंगे तो आपको ये ब्यूटीफुल गार्डन आएगा और ये गार्डन को देख के आपके मुंह से वाह जरूर निकलेगा क्योंकि इतना ब्यूटीफुल ये गार्डन लगता है। और इसके आसपास का जो माहौल है, एक तरफ शीश महल है, दूसरी तरफ एयर एसी है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो एसी सिस्टम, मैंने जो एसी वर्ड बोला क्योंकि उस ज़माने में एसी नहीं हुआ करते थे और गर्मी तो थी, तो इस तरह से वहाँ पे जो पुराने जो आर्किटेक्चर था, पुराने जो उसके मिस्त्री थे जिन्होंने ये बनाया, इस तरह से एक सिस्टम बनाया कि बिल्कुल एयर कंडीशन पूरा जो टेम्परेचर को मेंटेन करे और पानी और हवा इन दोनों को यूज करके एक तरह से एसी जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो। और ये आप देख पा रहे हैं ये जिप्सम के स्टोन हैं, बहुत प्यारे लगते हैं जब आप वहाँ पर जाएंगे। और ये है वो चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था, ऊपर एक टैंक है और टैंक में से हवा और पानी का मिक्सचर होकर नीचे आता है। यहाँ पे अत्र मिलाया जाता है, इत्र, जिससे पानी में खुशबू हो। और ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के ग्लासेज, इनसे नीचे वो पानी जाता है और पूरे महल को वो ठंडा करता है। तो इस तरह से इतना अद्भुत आर्किटेक्चर, इतना अद्भुत चीज़ें जब आप देखते हैं तो मन एकदम खुश हो जाता है। पुराने शाही लोगों के क्या एकदम शौक हुआ करते थे। और ये वो पूरा चेंक दिखाया है मैंने आपको जहाँ से पानी कूल होके पूरा एसी वाला फीलिंग देता था। फ्रेंड्स यहाँ से आगे चलने के बाद इसको कुछ इस तरह का पतला सा रास्ता आएगा और आप इस तरह के शॉट्स भी ले सकते हैं, इस तरह से मैंने किया है शूटिंग। और आगे जाके जो मेन अट्रैक्शन है वो है शीश महल। शीश महल का नाम आपने जो भी वीडियो अगर देखा होगा आमिर का तो सुना होगा, क्योंकि ये चांदी और इस तरह की धातु से बनाए कि सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा रह सके। तो उस तरह से राजा यहाँ पे बैठा करते थे, उनकी महफिल जमा करती थी। और दूसरा इसका मेन अट्रैक्शन है कि यहाँ पे हर तरफ जो शीशे और कांच लगे हुए हैं तो रात में जब लाइटिंग हुआ करती थी और उनकी लाइट का फोकस पड़ता था इन जो मिरर्स हैं, कांच हैं, और उससे एक अलग ही तरह का प्रकाश जो आप बोलते हैं रिफ्लेक्शन वाला हुआ करता था। और जो भी चीज़ें थी वो बहुत ही सुंदर लगा करती थी, उनका रिफ्लेक्शन पूरा होता था, पूरा जो शीश महल था वो जगमगा उठता था, आप इसको बोल सकते हैं एकदम शाइन करने लग जाता था और एकदम ऐसा लगता था जैसे जन्नत ज़मीन पे आ गई हो। और आप खुद भी देख पा रहे होंगे कितना बारीकी से काम किया गया है। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ नगर निगम का कि उन्होंने वेल मेंटेन रखा है। वैसे तो ये राजा का प्रॉपर्टी में आता है क्योंकि आमिर फोर्ट राजा की प्रॉपर्टी में आता है और राजा इसका मेंटेनेंस करते हैं। कुछ और आगे जाने पे आपको ये वाला पोर्शन आएगा जिसमें राजा की जो 12 रानियां थीं उनके 12 छोटे छोटे महल बने हुए हैं। और राजा ऊपर रहा करते थे जैसा आप देख पा रहे हैं ऊपर। और इस वाले पोर्शन की खास बात ये थी कि राजा किसी भी रानी के, जब उनका मन करे फर्स्ट रानी, जब उनका मन करे फोर्थ रानी और ट्वेल्थ रानी, उसके पास सीढ़ियों से ऊपर से नीचे जा सकते थे। और बाकी दूसरी रानी को पता नहीं पड़ना चाहिए कि राजा किसके पास है।
उस तरह से ये सिस्टम डिजाइन किया। आप देख पा रहे हैं ये सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियों से राजा जिसके पास भी जाना चाहते थे, हर महल में हर छोटे महल में ये सीढ़ी उतरती है, वहाँ पर राजा जाते थे, एंजॉय करते थे जैसा उनका मूड होता था। और यहाँ पे ये जो पोर्शन है, यहाँ पे जोधा अकबर मूवी की शूटिंग हुई थी। अगर आप जोधा अकबर मूवी आपने देखी होगी तो आपको पता पड़ेगा। इससे बाहर आने की जगह नहीं आएगा ये थोड़ा सा, तो पर्टिकुलर वो जो जगह है ना पेंटिंग जिसमें गणेश जी, गणेश जी जानते हैं हिंदू लोग, वो कमरा है राजा। श्रृंगार देख कनकावर, ये दो लिविंग हॉल, दो दो बेडरूम, मान सिंह की 12 रानियां और कनकावती सबसे बड़ी। ये दो लिविंग हॉल, सॉरी दो लिविंग हॉल, दो बेडरूम। अच्छे मॉडर्न पेंसिल है ना कूटने के लिए, किचन ये पार्ट ऑफ पेंट्री है ना, किचन तो काम करते दीवाने आपके सामने, यहाँ कूटने आते थे, यहाँ क्या कूटते थे ये क्वेश्चन है। हाँ यहाँ कॉस्मेटिक थिंग्स कूटते थे, अब ये है ना बाकी रानियों को पता नहीं क्वेश्चन ये मिलेगा। ठीक है ये बात तब है, हमाम, हमाम बोलते हो ना नहाने के लिए, ये हमाम। अच्छा तो हमाम का मतलब नहाना होता है क्या? नहाना होता है, हम तो वो साबुन ही सोचते थे अभी तक, हमाम हमाम साबुन था ना उसका तो नहा लो। अच्छा तो मतलब उसका मुझे लगता था कि वो ये दूसरी रानी वो तीसरी रानी। अच्छा वीडियो बना लो आप बाद में काम आ सकते हैं। भैया 12 आजकल नहीं है, आजकल तो कत्ल कर देंगे। वैसे इस महल में जो आदमी आता है वो ये सोचता है कि मैं लेट हो गया। नहीं नहीं कोई भी आदमी है लेट हो गया तो सोचता है राजा को 12 रानी ये तो बोले मेरे को तो नहीं नहीं आजकल ऐसा आजकल भैया एक ही बहुत आ रही है। क्या वो कहावत है अंगूर ने आँख खाते हैं? हाँ वो वाली बात। इसलिए दीदी जनरली हम कहते हैं ऐसे मजाक में बात करें। तो ये यहाँ से वो जो रास्ता जाएगा जगड़ का कितना किलोमीटर बैठेगा? 2 किलोमीटर लंबा है करीबन, 200 मीटर इसमें छत है। महल के हर कोने से कनेक्टेड है टनल, शीश महल जिसको दीवाने खास कहते हैं, जनाना महल, मानसिंह महल से। और इस महल की कुछ कढ़ाइयां आपके लिए खाना बनाने के काम में आया करती थी, इस तरह से कढ़ाइयां हुआ करती थी। हाँ कढ़ाई क्या है इसमें कौन बना सकता है खाना? कैसे बनाते होंगे खाना? 8-10 लोग लगते होंगे यार खाना बनाने के लिए भी एक चीज को। लेकिन रियल की है कि ऐसे ही है? कढ़ाई का तो बनाना है यार, पैलेस के जितने भी मेन एंट्री गेट होते हैं सर सब गेट 90 डिग्री पे बनाते हैं, 90 डिग्री पे भी पैलेस को कोई भी एलिफेंट से अटैक करेगा तो पहला गेट भी तोड़ देगा, सेकंड गेट टर्न लेगा, स्पीड स्लो की पावर कम लगा पाएगा, गेट नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए सारे गेट 90 डिग्री पे बनाते हैं, 90 डिग्री। त्रिपुलिया गेट तो उधर है ना बड़ी चौपड़ के आगे, वो भी त्रिपुलिया गेट है। त्रिपुलिया गेट 90 डिग्री पर
फ्रेंड्स आमेर फोर्ट घूमने के लिए आपको 4 to 5 hours आराम से लग जाएंगे अगर आप गाइड करते हैं और आराम से देखते हैं, और गाइड आपको लास्ट में एक जीप के थ्रू इनकी जो आर्ट गैलरी है हैंडीक्राफ्ट वहाँ ले जाएगा। वहाँ पर सामान कॉस्टली है लेकिन क्वालिटी है और गारंटी भी देते हैं। ये जो है चित्र आपको दिख रहे हैं ऊपर वाला तोप दागने के लिए और नीचे वाला ऑयल या गर्म पानी के लिए होता था जब भी कोई लड़ाई होती थी। और फिर हम जिप्सी में बैठ के इनका जो हैंडीक्राफ्ट गैलरी है वहाँ पर चले गए। थैंक यू। अभी आई है ये सारी वैसे नहीं आई है। वेजिटेबल कलेक्शन मैंने आपको ऊपर पैलेस में दिखाया था, सिंह पोल गेट पे, गणेश पोल गेट पे जो पेंटिंग बन रहा था वो सभी नहीं वेजिटेबल कलर्स का था, उसका लाइव डेमोस्ट्रेशन होता है, उसके बारे में सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये आपको एक मैजिक का जैसा लगेगा, मेरी मैजिक नहीं, इस गांव का 400 साल पुराना आर्ट है। और जो मैंने आपको गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर बताया था ना पंडित जी, वो अंदर में उनसे भी आपको सर इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, एक मिनट ही, इसमें वेजिटेबल का बुरा ना माने तो वीडियो क्या। अच्छा अच्छा, बस रुक जाओ फ्रेंड। जैसा कि आपने शॉपकीपर को सुना, अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, और यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा लेकिन मेरा डे का एंड नहीं हुआ है, डे जस्ट डे का हाफ डे है। इसके बाद जो आप बोल सकते हैं दोपहर में हमने जो लंच किया वो भी एक बहुत स्पेशल जगह किया, और उससे पहले हमने थोड़ा और भी वॉक किया जो कि जल महल का था। बट ये सारा कुछ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ से आपने चढ़ाई की थी आमेर फोर्ट के लिए उससे आगे जो दूसरा रास्ता है जहाँ से आप नीचे आएंगे वो अलग है, एक ही रास्ता नहीं है। और रास्ता थोड़ा सा आपको केयरफुली बाइक या जो भी आपका है ड्राइव करना पड़ेगा क्योंकि टर्न ज़्यादा है। और सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बताइए कैसा लगा आपको वीडियो और आपका एक्सपीरियंस अगर आप आमेर फोर्ट गए हैं तो। टिल देन बाय। और फ्रेंड्स ये लिया है खींचा, ये क्या है, बीच का जी भुजिया, ये मूंगफली, ये बूंदी, बूंदी चना, और काफी थिक है जो खाने का। आ हा हा, वाह वाह, एक और भाई। और ये आ चुकी है थाली। भैया एक मिनट बताइए थोड़ा क्या क्या चीजें हैं इसमें।